केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुरुवार को बिहार आ रहे हैं। वे लखीसराय के गांधी मैदान में भाजपा के 9 साल बेमिसाल अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 साल की उपलब्धियां गिनाएंगे। साथ ही मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर सांसद ललन सिंह के गढ़ में विपक्षी गालों पर करारा प्रहार भी करेंगे। शाह पटना में विपक्षी दलों की एकता बैठक में केंद्र सरकार और भाजपा पर लगाए गए आरोपों का जवाब भी महागठबंधन के नेताओं को देंगे। 3 महीने के अंतराल पर शाह बिहार आ रहे हैं। इससे पहले 2 अप्रैल को नवादा में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का दावा है कि लखीसराय की सभा ऐतिहासिक होगी, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में कमल खिलेगा। मुंगेर लोकसभा में भाजपा ने कभी जीत दर्ज नहीं की, एनडीए यह सीट नीतीश कुमार के खाते में रही है। 2014 में भाजपा की मदद से लोजपा की जीत हुई थी। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से ललन सिंह की जीत भाजपा की मदद से हुई। 2014 में जब भाजपा से अलग होकर जदयू चुनाव लड़ा तो उसकी हार हो गई थी। मुंगेर में खासकर लखीसराय जिले वाले हिस्से में भूमिहार वोटर निर्णायक चर्चा है कि भाजपा यहाँ भूमिहार चेहरा विजय सिन्हा पर दांव लगा सकती है। पिछले कुछ दिनों से विजय सिन्हा लगातार यहां सक्रिय भी हैं। शाह का कार्यक्रम लखीसराय में लेने के पीछे भी विजय सिन्हा की भूमिका रही है। भाजपा ने लखीसराय शहर को भगवामय बना दिया है। हेलीपैड से लेकर सभा स्थल गांधी मैदान के अलावा शहर में आने वाले हर मार्ग को होर्डिंग बैनर और पोस्टर से पाट दिया। भाजपा के छोटे बड़े नेता लगातार लखीसराय में कैंप कर रहे हैं। अभी तक कार्यक्रम के अनुसार मंच पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और विधानमंडल दल के नेता विजय सिन्हा के अलावा 4 केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। हालांकि अपने दर्शकों को ये बता दें कि जो मौजूदा समय के हालात देखने को मिल रहे हैं वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि क्या आने वाले समय के अंदर बीजेपी बिहार में लोकसभा की ज़्यादा सीटें जीत पाएगी, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से देखने को मिला कि जेडीयू और बीजेपी के बीच का गठबंधन टूट गया, उसके बाद लगातार बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। हालांकि 2024 का चुनाव भी सर पर है। अब आगामी समय में देखना होगा कि चुनावों में बीजेपी को कितनी जीत मिल पाती है। SP9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।